हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। अगर देखा जाए तो इस वीक का कैप्टन है सिद्धार्थ शुक्ला। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला इस सीजन में अभी पहली बार कैप्टन बने हैं। और अगर देखा जाए तो पिछली बार जो कैप्टन बनी थी हिमांशु खुराना, इनका किसी ने भी नहीं सुना था। और इनकी जो कैप्टनसी थी वो वहां पर निष्कासित की थी, इनके तरफ से कैप्टनसी को छीन लिया था। साथ ही कैप्टनसी की दावेदारी, अगले आने वाली जो अभी की दावेदारी थी, वो भी बिग बॉस ने छीन ली थी, क्योंकि इन्होंने ढंग से कैप्टनसी नहीं की। खुद ने ही यानी हिमांशी ने ही वहां पर रूल ब्रेक किए थे। और अगर आप देखा जाए तो वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला, हर किसी ने वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को वोट किया था और सिद्धार्थ शुक्ला को कैप्टन बनाया गया। उसके बाद में उनकी कैप्टनसी की शुरुआत भी बहुत अच्छी तरीके से हुई। लेकिन अगर आप आज का एपिसोड देखते तो शुरुआत में वहां पर आसिम रियाज और विशाल आदित्य सिंह, जो रैशनिंग के वजह से जो कुछ घर में चल रहा है, रैशनिंग वहां पर नहीं पहुंचा है, तो इस वजह से इनकी कैप्टनसी को बॉयकॉट करने की वहां पर एक बात करते हुए वहां पर दिखाई दिए थे। इसके साथ ही आप देखा जाए प्रोमो को, तो प्रोमो में ये जो मामला था ये सच में उतर आया है। यानी कि वहां पर चाय करना था रश्मि देसाई को और वहां पर सिर्फ 2 पैकेट रहते दूध के। तो वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला ये कहते कि देखो, आप 1 पैकेट ले लो और 1 पैकेट में चाय बना लो। 1 पैकेट में 14 लोगों का भी चाय बनता है। तो कहीं ना कहीं रश्मि वहां पर बोलती कि नहीं, मुझे 2 ही पैकेट चाहिए। और शायद प्रोमो से ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने किसी चीज की चोरी की है, शायद उन्होंने दूध की ही चोरी की हो और उसका ही चाय बनाया हो। तो कहीं ना कहीं वहां पर भड़क उठे सिद्धार्थ शुक्ला। और इसी बीच वहां पर आसिम रियाज उनको समझा रहे हैं कि भाई देखो, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप कैप्टन हो, आपको ध्यान रखना है कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और किसी ने अगर चोरी की तो वो 2 लोग हो 3 लोग हो, उनको आपको दंड देना है, यानी कुछ ना कुछ सजा करनी है। तो अगर देखा जाए तो वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला ने किसी को भी सजा नहीं दी है, ये इनकी बातों से साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं पर वो भी बात हो सकती है जहां पर हिंदुस्तानी भाव ने वो चोरी की थी और इनको कोई भी दंड वहां पर नहीं दिया गया। और उसके बाद में इसी बात को सामने रखते हुए बाकी लोगों ने भी वहां पर चोरी की और शायद उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को यही बात कही कि आपने हिंदुस्तानी भाव को वहां पर कोई भी दंड नहीं दिया, तो आप हमें भी सजा नहीं दे सकते। और यही बात से वहां पर झगड़ा शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं इनकी जो कैप्टनसी है वो अभी खतरे में है, ऐसा ही प्रोमो में हमें दिख रहा है। आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी जगह पे सही है या नहीं है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आपका सपोर्ट किसे है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस पर कोई बड़ी न्यूज आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।